पांडव नृत्य उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है। नमस्कार, हमें यहाँ गंगी गांव में, जो कुत्तू भिलंग रेंज का सीमांत गांव है, भिलंगना नदी के किनारे बसा हुआ गंगी गांव, और यहाँ भी आप जो नृत्य देख रहे हैं, ये एक मात्र नृत्य नहीं है बल्कि यह एक संस्कृति है, हमारे वीर पुरुषों की, हमारे भारत के इतिहास की, उन महान लोगों की एक संस्कृति को आगे ले जाते हुए ये गंगी गांव के लोग, और यहाँ पे पांडव नृत्य का आयोजन किया गया है। आपको बता दूं कि जो पांडव लीला है, हर तीसरे साल यहाँ पे आयोजित होती है। गंगी गांव लगभग समुद्र तल से 8,500 फीट की ऊंचाई पर विराजमान भिलंगना नदी के किनारे बसा हुआ है, खतरिंग ग्लेशियर की गोद में। और ये जो यहाँ पे नाच रहे लोग, ये पांडवों की वेशभूषा में गांव के लोग, हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुशोभित, जो कि पांडव लोग महाभारत के युद्ध के दौरान जो अस्त्र शस्त्र प्रयोग में करते थे, इनके हाथों में वही भाल, वही कटारे, वही धनुष बाण, वही भीम की गदा इत्यादि अस्त्र शस्त्र इनके पास हैं। और यह नृत्य जो है, यह लोक नृत्य है, और बड़े क्लास के साथ में, बड़े बेहतरीन तरीके से ढोल की थाप पे ये लोग नृत्य कर रहे हैं। वैसे तो गंगी गांव इतना खूबसूरत है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, वो इस गांव को बेहद खूबसूरत बना देते हैं। दिसंबर जनवरी के महीने लगने वाला यह पांडव नृत्य पूरे 18 दिन चलेगा, और आसपास के समस्त जितने भी गांव हैं, वो सब यहाँ पे इसको देखने के लिए पहुँचते हैं, साथ साथ में कुछ सैलानी भी यहाँ पे पहुँचते हैं। तो आइए एक बार आप भी जरूर इस गंगी गांव में आइए और देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे जो हमारे रीति रिवाजों को, हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम ये गांव वाले करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भारत का दिल है, वो हमारे गांव में बसता है। अगर आपको भारत देखना है तो आप आइए, तो आइए उत्तराखंड राज्य के टिहरी जनपद के घुत्तू भिलंग रेंज के गंगी गांव में, और आनंद लीजिए इस खूबसूरत पांडव नृत्य।